पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक और लीक हुए वीडियो ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि कथित ऑडियो जो लीक हुआ है वो उनके प्रधानमंत्री रहते हुए रिकॉर्ड किया गया था। और पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन न्यूज के मुताबिक इस ऑडियो में कथित तौर पर इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद करते सुनाई दे रहे हैं। इसमें बड़ी चीजें हो रही है, मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। यही नहीं, इस ऑडियो टेप में पीटीआई प्रमुख इमरान खान कथित तौर पर ये कह रहे हैं कि वो 5 सांसदों को खरीद रहे हैं। पांच तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 मैसेज दे रही है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इम्पोर्टेंट है और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 वाला अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इमरान इस ऑडियो टेप में ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इस बारे में चिंता नहीं करनी है कि क्या गलत है और क्या सही। हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीतें, तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। कोई भी हरबा हो, एक एक भी अगर कुछ तोड़ देता है ना, तो उससे भी बड़ा फर्क। इमरान के इस नए ऑडियो के लीक होने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं।